दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पे ये फिटिंग किया गया है सीपीयूसी का, आप देख सकते हैं। ये देखिए मगर अभी सेम आई तो रखी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। और यहाँ पे ये अपना वॉश मशीन के लिए है, और यहाँ पे हिंदी डब्ल्यूसी के लिए जो पॉइंट है ये है। किस तरह से किया गया उसका पूरा डिटेल से आपको मैं बताऊंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों अगर आप लीकेज से बचना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना जॉइंट बनाते हैं इसका ग्रिप मजबूत बन जाए, उसके लिए हम यहाँ पे इसे रफ करने वाले हैं। आप रफ एक्सावलेट से भी कर सकते हैं और अपना रेगमाल होता है उससे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे रफ करेंगे। तो क्या मतलब जो जॉइंट बनाएंगे वो अच्छा बन जाएगा। और दोस्तों आप जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं वो अच्छा कंपनी का काम में ले। यहाँ पे ये पॉइंट बन चुका है दोस्तों हम यहाँ पे ये लॉन्ग बेंड काम में लेंगे। लॉन्ग बेंड इसलिए काम में लेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे हम एल्बो भी लगा सकते हैं और लॉन्ग बेंड भी लगा सकते हैं, ये महंगा भी आता है लेकिन इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर एल्बो लगेगा तो दोस्तों इसमें पानी की रुकावट होगी। और ये जो बेंड होगा ये गोल है, ये राउंड में है, तो पानी का जो प्रेशर होगा वो राउंड में घूम जाएगा यहाँ पे इस तरह से, और पानी का प्रेशर आगे अच्छा जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग बेंड या 45 यूज करें। दोस्तों यहाँ पे हमने सीपीसी फिटिंग कर लिया है पूरा, यहाँ पे अपना इनलेट हो जाएगा, टैंक से आउटलेट होगा, और यहाँ पे हमने टी लगा कर एंड कैप लगा रखा है कि जब भी कोई डार्ट होट हो या कुछ लाइन को चेक करना हो तो जो एंड कैप है उसको खोल लेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शॉर्ट पॉइंट छोड़ दिया बाहर के लिए, उससे आगे तो उसमें हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, यहाँ पे हैंड सावर के लिए भी मान सकते हैं सेम। और ये अपना एक फोना का एक आधा का टी है ब्रास टी। यहाँ पे लॉन्ग बेल्ट लगाया दोस्तों, लॉन्ग बेल्ट क्यों लगाया इसके बारे में वीडियो में बता दिया गया है। और यहाँ पे ये दो पॉइंट हमने बनाए हैं दोस्तों, इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी अपन 6 इंच से 5.5 इंच से 7 इंच तक रख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसका 6.5 इंच रखा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो अपना पॉइंट है इसका हाइट हम इससे 8 से 10 इंच के बीच में रख सकते हैं, इसको हमने 8.5 इंच पे रखा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये अपना ब्रास एल्बो आ चुका है दोस्तों। ये जो दो पॉइंट अपने इनलेट और आउटलेट गीजर के लिए, इन दोनों के बीच में 6 इंच का गैप रखा है और हमने एक लेवल में कर दिया जिससे दिखने में सुंदर लगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो आउटलेट है गीजर का उसमें हमने 2 45 लगाए हैं ताकि जो पानी है, पानी का जो प्रेशर होगा वो डायरेक्ट आसानी से प्रेशर से आए यहाँ पे। और यहाँ पे जो 1 इंच का फिटिंग किया है दोस्तों, यहाँ पे हमने लॉन्ग बेंड लगाए हैं क्योंकि पानी का प्रेशर अच्छा बना रहे। यहाँ पे टी लगाकर रेड्यूसर एल्बो लगाया, सॉरी ब्रास एल्बो लगा दिया है एक आधा का, और यहाँ से रेड्यूसर टी लगाकर हमने ये गीजर का पॉइंट बना दिया है। आगे हमने जो अपना हिंदी टॉयलेट है हिंदी डब्ल्यूसी के लिए डब्बा दी, डब्बे के लिए हमने यहाँ पे रेड्यूसर टी लगाकर रेड्यूसर एल्बो लगाकर बाहरी साइड में पॉइंट दे दिया अंदर की साइड में, और यहाँ पे टी लगाकर हमने गीजर के लिए इनलेट दे दिया है। और यहाँ से गीजर लगने के बाद हमें आउटलेट, दोस्तों इसका हेड कितना होगा 6 से नीचे उसका मैं बता देता हूँ दोस्तों। हम यहाँ पे गीजर 2 फुट का लिए छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 फुट में गीजर लग जाए। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 फुट है, ये 2 फुट से हमने नीचे नीचे हमने पॉइंट लगाए हैं। और दोस्तों ये हाइट यहाँ पे कितना हाइट होना चाहिए इसका दोस्तों, इनका नीचे से फर्श से 35 से 35 इंच के लगभग होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कितना है, देखना ये अभी यहाँ पे दोस्तों ये रफ नहीं है, इसके नीचे रफ फर्श है, ये देखिए यहाँ पे अपना फिनिशिंग फर्श आएगा तो ये 35 इंच ही हो जाएगा यहाँ से ये हटने वाला फर्श। और दोस्तों हमने बाहर पे जो पॉइंट लगाए हैं यहाँ पे हमने एल्बो लगाकर ब्रास एल्बो दे दिया है, इसको हमने सेंटर पे बना दिया है दोस्तों। इसका हाइट कितना होना चाहिए वो बता देता हूँ, जो दोस्तों फर्श होगा यहाँ पे 3 इंची फर्श आएगा, उसके बाद यह पॉइंट अपना 40 इंच पे होना चाहिए अगर वॉश बेसिन के ऊपर पॉइंट लगता है तो। अब देख लो दोस्तों ये यहाँ पे 43.5 इंची है, आप देख सकते हैं 3 इंची फर्श इसमें कट हो जाएगा तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ग्लास आएगा, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक बोर्ड जो अपना है वो ऊपर की साइड में दे दी है। यहाँ पे एक बल्ब लग जाएगा, यहाँ पे अपने बेल्ट लगा के यहाँ पे अंदर ये लाइन ले लिया है और यहाँ से सीधा हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसी से अपना जो हिंदी डब्ल्यूसी टॉयलेट है उसमें हमने यहाँ से मतलब वो एक जक्सा लगा दिया है और ये सीधा बाहर लाइन चला गया, यहाँ से इधर लाइन हो जाएगा। और दोस्तों हमने जो ये बोर्ड लगाए हैं इससे ही सीधा यहाँ पे एक होल मार देंगे तो यहाँ पे गीजर का बोर्ड आ जाएगा यहाँ पे, उसे होल मारकर हम यहाँ पे गीजर का पॉइंट ले लेंगे दोस्तों। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ मैं आपको,
यहाँ पे हम हिंदी डब्ल्यू सी फिटिंग करने वाले हैं, तो उसका वीडियो या उसका लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपार हमसे जुड़े रहने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।